good afternoon. It's now. Thank you, sir. Adeta, ये तो बहुत ही अच्छा subject. Very good. आज बहन जी सड़क सुरक्षा के नियम के संदर्भ में आप लोगों को बताएंगी. ठीक है, आप लोग साइकिल चलाते होंगे, सारे लोग आप पैदल भी चलते होंगे. आप यही सीखने के बाद अपने मम्मी पापा या गांव के जो लोग नहीं थे निकले उन्हें भी आप बताइएगा कि सड़क चलने का क्या क्या नियम है. हाँ बहन जी बताएं. सबसे पहले सड़क पर चलने के पहले हमको क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा चित्र है, उसको ध्यान से देखिएगा और अंतर आप खुद बताइएगा. दिख रहा है व्यक्ति? और किस व्यक्ति को देखिए, दिख रहा है? दोनों में अंतर दिख रहा है? ये व्यक्ति क्या किया है और वो क्या नहीं किया है? ये व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है इसलिए वो सुरक्षित है और खुशहाल है. ठीक, लेकिन इस व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है और इसलिए देखिए एक्सीडेंट होने पर उसकी क्या स्थिति हो सकती है. ठीक, तो अगर आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं तो पीछे में बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनने की जरूरत होती है. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनकर दो पहिया वाहन पर है तो हेलमेट पहनकर बैठेंगे, और अगर चार पहिया में आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एकदम सुरक्षित हो गए हैं, उसमें भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगी होती है, सीट बेल्ट लगाना है. प्लस कुछ सड़क के नियम होते हैं उनको आपको पालन करना है. जैसे अगर आप पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं तो आपको सड़क पार करते समय ये सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल ध्यान देना है. अगर ट्रैफिक सिग्नल आप देख रहे हैं कि रेड है तो आपको सड़क पार नहीं करनी है, और जब हरी हो जाएगी तभी आप पार करेंगे अगर आप वाहन से. और अगर आपको पैदल पार करना है तो हमेशा ध्यान दीजिए जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी है उस पर से आप पार करेंगे. अब आप ये कहेंगे मैम हमारे सड़क पे हमारे गांव में तो कहीं जेब्रा क्रॉसिंग बनी ही नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, फिर दाएं देखेंगे, तब हम अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब हम सड़क पार करेंगे. ठीक है, समझ आ गया? चाहे आप पैदल हैं, चाहे आप साइकिल से हैं, बिना देखे आप सड़क पार नहीं करेंगे. सड़क पर दौड़कर सड़क पार नहीं करनी है, भी नहीं कह रही गाड़ी आ रही है मैं बहुत तेजी से भाग कर पार कर लूं. दौड़कर कभी भी सड़क पार न करिए, क्योंकि जो चलाकर देख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किस तरफ मोड़े. ठीक, इसके बाद आप देखिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा. अगर जिंदगी है प्यारी तो दो पहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर करें सवारी. ठीक, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें. रोड पर ना करो मस्ती क्योंकि जिंदगी नहीं है सस्ती. हमें अपनी जिंदगी का मोल समझना चाहिए और ऐसा ना हो कि आप सड़क पर खेल रहे हैं. बहुत से बच्चे सड़क के किनारे बैट बॉल खेलते रहते हैं और खेल खेल में पता भी नहीं चलता है कि बहुत सड़क पर गई, हम भाग जाते हैं. कुछ चीजें और हैं जो इधर लिखी हैं, हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और अपने घर पर लोगों को, अपने आसपास, अपने दोस्तों को, सबको आप जागरूक करेंगे. ठीक है, पहला है दुपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठे व्यक्ति को VIS मार्क हेलमेट अवश्य पहने. देखिए हेलमेट भी कई तरह के आते हैं, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनना जरूरी है. बहुत से लोग होते हैं हेलमेट घर से लेकर चलते हैं और उसका क्या करते हैं, गाड़ी में पीछे टांग देते हैं. तो टांगना नहीं है, उसको लगाकर इस्तेमाल करना है. अगर आपके घर में ऐसा, आपके पापा, आपके घर में कोई भी व्यक्ति करता है तो उनको जरूर एक बार कहिए. ठीक, कि आप हेलमेट पहन कर ही जाएं. अगला है चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें, ना तो चलाते समय ना ही सड़क पर चलते समय आपको फोन पर बात करना नहीं चाहिए. ठीक, नशे की हालत में भी वाहन का प्रयोग नहीं करना है. गलत साइड से या रॉन्ग साइड से हमें बाई तरफ चलना है तो हमेशा बाई तरफ से ही चलिए, गलत साइड से आपको नहीं चलना है. फिर तेज रफ्तार से बहुत ज्यादा हमें जल्दी बची है, या बहुत से बच्चे ऐसे होते
गाड़ी पा गई है, घर वाले देख लिए हैं, तो आराम से बस उड़ते हुए जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलानी है। फिर बिना लाइसेंस के, आपको पता है जब आप बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, जब आप वयस्क में आते हैं तब आपका लाइसेंस बनता है। तो लाइसेंस जब तक नहीं बन जाता है तब तक आप दो पहिया चार पहिया वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। तब तक क्या प्रयोग करेंगे? साइकिल। साइकिल बिना लाइसेंस वाली गाड़ी हमारी है साइकिल, या फिर डीएल बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो बन जाएगा, तब आप अपना फोर व्हीलर या टू व्हीलर चला सकते हैं। वो एक एज के बाद ही आपका बनेगा, जब आप एडल्ट हो जाएंगे, जब आप वयस्क हो जाएंगे तब। फिर है अपनी लेन में ही चले। आप देखेंगे सड़क में क्या होता है, बीच में डिवाइडर है और इधर भी सड़क, ऐसा नहीं है कि क्रॉस करने के लिए कभी कभी लोग दूसरे साइड में गलत तरफ से चले जाते हैं, यानी बाएं से दाहिने तरफ भी भागने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अपनी लेन में चलना है। पार्किंग के नियमों का भी पालन करना है, इसलिए कि आप कहीं पर भी गाड़ी इधर पार्क कर देंगे तो आने जाने में असुविधा होगी, उसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ? यस। पीला रंग बहन जी ने बनाया है संकेत के लिए, पीला रंग क्यों बनाया गया है? ताली बजा। अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, क्या मतलब आप ठीक है? ग्रीन लाइट किस लिए है? चलो मेरे बाद एक कविता बोलिएगा। लाल कहती रुक जा रुक जा, लाल कहती रुक जा रुक जा, पीली कहती रहो तैयार, पीली कहती रहो तैयार, हरी हो गई भागो यार, हरी हो गई भागो यार। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जो नियम आपको बताए गए हैं, जो चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं, अपने दोस्तों से, अपने घर में लोगों से, अपने परिवार से, समाज से आप इसको जरूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे। बिना हेलमेट असुरक्षित बिहार। ठीक, खोलिए खोलिए खोलिए। सड़क सुरक्षित जीवन रक्षा। साथ में बोलिए, सब साथ में बोलिए, सभी साथ बोलो। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। चल, अगर जिंदगी है प्यारी तो दो पहिया वाहन पर हेलमेट पहन कर करे सवारी। वेरी गुड। आइए सौम्या, नीचे वाला पढ़िए। वेरी गुड। आइए बेटा। रोड पर ना करें मस्ती, क्योंकि जिंदगी में है सस्ती। वेरी गुड, जोर से पढ़िए नीचे वाला, फिर से सारे लोग साथ में पढ़िए। रोड पर ना करो मस्ती, क्योंकि जिंदगी में है सस्ती। हाँ, रोड पर ना करो मस्ती, क्योंकि जिंदगी नहीं है सस्ती। चलिए, तो कौन कौन से नियमों का पालन करना है, चलिए पढ़कर क्लास को सुनाएंगे, ठीक है?